नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित शर्मा और आप सभी का स्वागत है डीएचपी न्यूज में, जहां हम हिमाचल प्रदेश के हर जिले की बड़ी खबरें रोजाना आपको बताते हैं, साथ ही आपको महत्वपूर्ण जानकारी भी देते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें, जहां आपको हर अपडेट्स मिलती रहेंगी। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज की बड़ी खबरें। कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, पदों को भरने की मंजूरी, स्कूल होंगे अपग्रेड, जाने कैबिनेट के बड़े फैसले। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक सोमवार को राज्य सचिवालय शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कर्मचारियों के संशोधित वेतनमान के अलावा कई बड़े फैसले लिए गए हैं। जयराम मंत्रिमंडल ने रोजगार की चुनौतियों के बीच युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खोलने के उद्देश्य से स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू करने की मंजूरी प्रदान की। इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को 20 से अधिकतम 120 किलोमीटर तक के ग्रामीण क्षेत्रों के रूटों पर 18 सीटर वाहनों को चलाने के लिए रियायती टैक्स पर परमिट दिए जाएंगे। स्कीम के जरिए उन क्षेत्रों में लोगों को भी राहत मिलेगी जहां एचआरटीसी की बसों का संचालन करना मुश्किल या महंगा साबित हो रहा है। साथ ही इन क्षेत्रों में बेरोजगार युवाओं को भी रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। अभी तक विभाग ने 140 ऐसे रोड चिन्हित कर लिए हैं जहां स्टेट रोड टैक्स का 25% देकर युवाओं को अपने वाहन चलाने के लिए इजाजत दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं के 5 पद हिमाचल प्रदेश संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2021 के माध्यम से नियमित आधार पर भरने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। वहीं मंत्रिमंडल ने शिमला जिला के चौपाल विधानसभा क्षेत्र के कुपवी में नया उपमंडल खोलने को भी अपनी स्वीकृति दी। इसके साथ ही जिला कुल्लू के मनाली तहसील में मौजूदा पटवा सर्कलों को पुनर्गठित निर्माण कर 6 नए पटवा सर्कल सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की। जिला चंबा की उप तहसील होली को तहसील में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया। हिमाचल कैबिनेट का बड़ा फैसला, संशोधित वेतनमान को लागू करने की मंजूरी, लाखों कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सोमवार को हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों के नए वेतनमान को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने राज्य के लगभग 2 लाख कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान देने का निर्णय लिया है। कर्मचारियों को जनवरी 2022 का वेतन फरवरी में संशोधित वेतनमान के अनुसार दिया जाएगा। अनुबंध कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है। इस फैसले से राज्य सरकार के खजाने पर सालाना 4,000 करोड़ अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। राज्य सरकार कर्मचारियों को पहले ही करीब 5,000 करोड़ रुपए अंतरिम राहत के तौर पर जारी कर चुकी है। संशोधित वेतनमान के बाद लगभग 1.5 लाख न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारियों के एनपीएस के तहत 6 साल के बकाया के रूप में सरकार के योगदान के रूप में 260 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हिमाचल में शीतलहर से दुश्वारियां बरकरार, 22 दिसंबर से फिर बारिश बर्फबारी के आसार। हिमाचल प्रदेश में भले ही मौसम खुल गया हो, कड़ाके की ठंड से भी हल्की राहत मिली हो, लेकिन दुश्वारियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रदेश में जलोड़ी दर्रा से सुजा तक एनएस 305 और 40 के करीब सड़कें अभी भी बहाल नहीं हो पाई हैं। कुल्लू और केलांग के बीच बस सेवा बंद रही। अटल टनल रोहतांग के लिए केवल 4x4 वाहन में सवार पर्यटकों को ही सुरंग के माध्यम से लाहौल घाटी में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है। प्रदेश भर में 21 दिसंबर तक मौसम साफ रहेगा, लेकिन 22 से दोबारा बारिश और बर्फबारी होने का पूर्वानुमान है। रविवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। शनिवार रात को न्यूनतम तापमान में भी हल्का सुधार हुआ है। मंडी में पीएम मोदी करेंगे 11,000 करोड़ के शिलान्यास उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नियोते को स्वीकारते हुए प्रदेश सरकार के 4 साल पूरा होने पर 27 दिसंबर को मंडी में होने वाले कार्यक्रम में 2 घंटे रुकने की सहमति दे दी है। पीएम का यह दौरा राज्य के लोगों के लिए कई सौगात वाला होगा। उस दिन 11,000 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम होंगे। हिमाचल दौरे और राज्य के विकास की प्रगति को जानने के लिए पीएम ने सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को नई दिल्ली बुलाया था। करीब आधा घंटा हुई मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति और विकास कार्यों पर चर्चा हुई है। पीएम अपने दौरे में हिमाचल के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। दिल्ली से लौटने के बाद प्रदेश सचिवालय में मुख्यमंत्री जयराम ने कहा कि पीएम मोदी ने उनके निमंत्रण को स्वीकार किया है और 2 घंटे तक इस कार्यक्रम में रुकने की बात कही है। वीर जवान विवेक की पत्नी को पीएनबी ने दिया 1 करोड़ रुपए का चेक। हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले कांगड़ा के लंबागांव खंड के गांव अपर ठेडू के लांस नायक विवेक कुमार की धर्मपत्नी प्रियंका देवी को पंजाब नेशनल बैंक की ओर से 1 करोड़ रुपए का चेक दिया गया। पंजाब नेशनल बैंक की ओर से पीएनबी रक्षक प्लस सैलरी बचत खाता योजना में खोले गए खाते में हवाई दुर्घटना में जान गंवाने वाले सैनिक को 1 करोड़ रुपए की बीमा राशि का भुगतान किया जाता है। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 8 दिसंबर को सीडीएस जनरल बिपिन रावत और अन्य सैन्य अफसरों के साथ विवेक कुमार भी शहीद हुए थे। डेंटल मैकेनिक और जेई की मूल्यांकन परीक्षा का शेड्यूल तय। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने पोस्ट कोड 656 डेंटल मैकेनिक के 46 पदों को भरने के लिए ली गई लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है।
आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने बताया कि आयोग ने इन पदों को भरने के लिए जून 2018 में आवेदन मांगे थे। इसके बाद आयोग ने 28 मार्च 2019 को लिखित परीक्षा करवाई। परीक्षा में 236 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। मेरिट के आधार पर 102 अभ्यर्थियों का चयन 5 से 7 जनवरी तक होने वाली 15 अंकों की मूल्यांकन परीक्षा के लिए किया गया है। वही 27 दिसंबर को जेई सिविल की मूल्यांकन परीक्षा होगी। पवन कुमार बने हिमाचल शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष, मामराज पुंडीर महामंत्री। हिमाचल शिक्षक महासंघ का पवन कुमार को प्रांत अध्यक्ष और डॉक्टर मामराज पुंडीर को राज्य महामंत्री चुना गया है। सोमवार को राजधानी शिमला के कुफरी क्षेत्र में महासंघ की राज्य कार्यकारिणी का चुनाव किया गया। इसमें चुनाव पर्यवेक्षक की भूमिका वीर भगत ने निभाई। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री महेंद्र कपूर भी इस अवसर पर मौजूद रहे। राज्य इकाई में पवन कुमार को दूसरी बार प्रांत अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा संगठन मंत्री विनोद सूद, कोषाध्यक्ष यशवंत शर्मा, अतिरिक्त महामंत्री सुधीर गौतम और दर्शन लाल चुने गए। धर्मगुरु दलाई लामा से मिले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, तिब्बत मसले पर हुई चर्चा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने सोमवार सुबह मैगलोडगंज में धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात की। करीब 35 मिनट की इस मुलाकात में दोनों के बीच तिब्बत मुद्दे को लेकर बातचीत हुई है। मुलाकात के बाद भागवत मैगलोडगंज से सीधा गगल एयरपोर्ट पहुंचे। यहां अपना 5 दिवसीय दौरा खत्म कर वे स्पाइसजेट की फ्लाइट से दिल्ली रवाना हो गए। दलाई लामा के निजी सचिव तेंजिन टाकला ने बताया कि धर्मगुरु ने डॉक्टर मोहन भागवत के समक्ष धार्मिक सद्भावना की बात पर जोर दिया। हिमाचल के दुर्गम क्षेत्रों की महिलाओं को तनाव दे रहा गर्भधारण। हिमाचल प्रदेश के दुर्गम और जनजातीय क्षेत्रों में गर्भधारण एक तनावपूर्ण घटना है। यह खुलासा पीजीआई चंडीगढ़ के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के अध्ययन में हुआ है। इसके लिए गर्भधारण करने वाली 103 महिलाओं पर स्टडी की गई। इससे उन्हें अपनों से दूरी बनानी पड़ी है, जिसकी वजह से उन्हें शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और वित्तीय परेशानी का सामना करना पड़ा है। यह अध्ययन हाल ही में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन नामक ऑनलाइन जर्नल में छपा है। लाहौल की महिलाओं को अपने घर छोड़कर समीपस्थ जिलों में जाना पड़ रहा है। अध्ययन में निष्कर्ष निकाला गया है कि ऐसे सुविधा से वंचित क्षेत्रों में गर्भधारण करना एक तनावपूर्ण घटना है। यह परिवार और समुदाय में लिंग को तोड़ रही है। शिमला से 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में हो रही संक्रमण फैलाने वाले रोगाणुओं की जांच। राजधानी शिमला से 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में संक्रमण फैलने वाले रोगाणुओं, विषाणुओं और बैक्टीरिया की जांच चल रही है। माइक्रोग्रेविटी में रोग प्रतिरोधक क्षमता को समझा जा रहा है, ताकि भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों का संबंधित संक्रमण से जुड़ा उपचार हो सके। यह जांच अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में चल रही है। सोमवार से शाम के वक्त यह स्टेशन लगभग 3-3 मिनट के लिए शिमला से देखा जा सकेगा। यह एक चमकते तारे की तरह चलता है। इसे देखना विज्ञान के विद्यार्थियों और पर्यटकों के लिए कौतूहल का विषय होगा। इसमें अमेरिका, रूस, जर्मनी आदि देशों के 10 अंतरिक्ष वैज्ञानिक सवार हैं। हिमाचल में नहीं थम रहे भीषण अग्निकांड, एक और आशियाना राख। हिमाचल में सर्द मौसम में सिर से छतें छीनने का सिलसिला अभी थमा नहीं। ऐसा ही मंजर अब जिला चंबा में सामने आया है। चंबा के चुराव में यह सब देखने को मिला है। पुक्तला गांव में सोमवार सुबह उठी लपटों ने 2 मंजिला मकान को राख कर डाला। दमकल विभाग की टीम और ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाकर साथ सटे मकानों को चपेट में आने से बचाया। अभी तक आग लगने के सही कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। ट्रक के नीचे आया युवक का सिर, ओवरटेक करते हुए हादसा। पांवटा साहिब में हिमाचल हरियाणा बॉर्डर के पास एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जिसमें ट्रक के नीचे आने से एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 27 वर्षीय शमशाद अली बाइक पर सवार होकर अपनी भाभी जमीला को लेकर कहीं जा रहा था। इस बीच जब वे लाल ढांग के पास पहुंचे तो उनके आगे 2 ट्रक चले हुए थे। उनसे ओवरटेक लेने के दौरान सामने से कार आ गई। ऐसे में युवक ने बाइक को धीमा कर लिया, परंतु कार चालक ने बाइक को टक्कर मार दी। इस टक्कर में वह युवक उछलकर सड़क पर गिरकर ट्रक के पीछे टायर के नीचे आ गया। इस दौरान उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पेड़ से गिरा पूर्व सैनिक, मौत। चारा काटने के लिए पेड़ पर चढ़े एक पूर्व सैनिक की पेड़ से गिरकर मौत हो गई। मामला बिलासपुर के झंडूता उपमंडल के तहत पड़ती ग्राम पंचायत डाहट का है। मृतक पूर्व सैनिक की पहचान 62 वर्षीय अमित चंद, पुत्र कश्मीर सिंह, निवासी गांव संघ के तौर पर हुई है। पेड़ से गिरने के बाद स्थानीय लोग उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए सिविल अस्पताल ले गए। वहां उनकी नाजुक हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन वहां मौजूद चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक जवान अपने पीछे पत्नी व 2 बेटे छोड़ गया है।